दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एक्सटेंशन एंड फील्ड आउटरीच ने ओपन हाउस का कार्यक्रम 11 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया था, जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं के लगभग 12,000 छात्र छात्राओं ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का विजिट किया। आज हमारे जो छोटे बच्चे हैं 10th 11th 12th, वो कितना सजग हैं अपने कैरियर को साइंस और टेक्नोलॉजी में की ओर ले जाने के लिए। हमने एग्जीबिशन लगाया है, एग्जीबिशन ऐसा है जिसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो मॉडल डेवलप कर रहे हैं, प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं, कोई रोबोटिक्स डेवलप कर रहा है, कोई अनमैंड एयर व्हीकल डेवलप कर रहा है, तो उन्होंने भी अपना मॉडल लगाया है। आप जाएं और देखें जो स्टूडेंट ने डेवलप किया है। उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट है कि मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लैब्स देखने हैं, तो आप देखो इस तरह के यू आर हेयर करके जगह जगह पे लगाया गया है और हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कहाँ पे हैं उसमें बताया गया है। और आप जहाँ भी जाओगे आपको हमारे स्टूडेंट वॉलेंटियर्स वाइट टी शर्ट में नजर आएंगे। वाइट टी शर्ट में स्टूडेंट वॉलेंटियर नजर आएंगे, सामने DTU का लोगो है और पीछे सेंटर फॉर एक्सटेंशन एंड फील्ड आउटरीच लिखा है। आप लोग जरूर साल, दो साल, तीन साल के बाद आप DTU आओ, आपका एडमिशन DTU में हो और हम लोग आपके साथ फिर से मिलें। इसी शुभकामना के साथ कि आप अपने आने वाले समय में खूब तरक्की करो, अच्छे मार्क्स आए, अच्छी जगह आपका एडमिशन हो। अभी आपको स्टूडेंट वॉलेंटियर्स के थ्रू आपको ग्रुप में बांटा जाएगा और पॉसिबली आप ये करना कि एक स्कूल के बच्चे एक साथ जाएं, आपको यहाँ पे हम बुलाएंगे, आपको स्टूडेंट वॉलेंटियर एलोकेट करेंगे और उसके साथ आप मूवमेंट करना शुरू करोगे। और अगर कोई टीचर भी साथ में आए हैं तो टीचर भी हमारे साथ यहाँ पे स्टेज में आए और हम उनको ग्रुप बना करके दे देंगे और वो ग्रुप के हिसाब से विजिट करेंगे। Turbine is used for converting the kinetic energy into mechanical energy. Then mechanical energy is converted into electrical energy. So you see, this is real. This energy is coming from. अब ये मशीन से हमें क्या पता चलेगा? Compressive test. कंप्रेसिव मतलब आप जब ऊपर से दबा रहे हो तो वो कितना सहन कर पा रहा है। बेसिक बताने के लिए कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में हम क्या क्या आपको बता सकते हैं या करवा सकते हैं। मान लीजिए हमें ये छेनी बनानी है, जिसको चीजल कहते हैं हम लोग, तो चीजल बनाने के लिए आपको क्या होता है, कोई साइज चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल के रूप में हम ये रॉड लेते हैं, इस रॉड का डायमीटर 20 mm। आइए जानते हैं इन छात्र छात्राओं ने क्या कुछ देखा, क्या सीखा और क्या समझा। मेरा नाम गौतम कुमार राय है, मैं JV++ No. 1 मोहन गार्डन स्कूल से आया हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें लेक ऑफ नॉलेज की वजह से भी हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जो यहाँ पे हमें गाइड मिले हैं वो गाइड भी हमें बढ़िया से बता रहे हैं कि हमें कैसे करना है। बहुत सारे स्टॉल्स मिले जहाँ पर हमें बताया गया कि ऐसे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। हमें मैथ्स के बारे में बताया गया, हमें केमिस्ट्री के बारे में बताया गया, हमें बायो के बारे में बताया गया और अदर फील्ड्स के बारे में भी बताया गया, AI से रिलेटेड भी, ड्रोन टेक्नोलॉजी। और जब वहाँ से हम आए हमें लाइब्रेरी दिखाया गया, काफ़ी बड़ा लाइब्रेरी, काफ़ी बड़ा स्पोर्ट एरिया है और काफ़ी बढ़िया लगा। मेरा नाम निकिता है, मैं
सर्वोदय कन्या विद्यालय तिमारपुर की छात्रा हूँ। हमने टेलीकम्युनिकेशन लैब में देखा कि वेव्स कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, हमने EM वेव्स के बारे में देखा और रेडिएशंस के बारे में देखा और बहुत हमें अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि हम अपने फ्यूचर में इसी कॉलेज में आएँ। मेरा नाम प्रशांत खट्टक है, मैं बवाना गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल से आया हूँ। मुझे सबसे अच्छी लैब केमिस्ट्री लैब लगी है क्योंकि वहाँ पे केमिकल इक्वेशंस करने के लिए बताया गया है। मेरा नाम हिमांशी है, मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय की छात्रा हूँ। हमें इस कॉलेज में आके बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं GBSS बख्तापुर स्कूल से हूँ। सारा बहुत अच्छा लगा, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जहाँ पे मॉडलिंग डिजाइन कर रहे थे वो। इट हैज अ फ्लाइट एंड्योरेंस ऑफ 40 मिनट्स एंड अ टेक ऑफ वेट ऑफ 700 ग्राम। मेरा नाम तरुण कुमार गुप्ता है और मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 से हूँ, मोहन गार्डन। फुटबॉल फैसिलिटीज़ मतलब जो ग्राउंड्स है, प्लेइंग फैसिलिटीज़ वो काफ़ी अच्छी लगी और हम लोग अभी केमिस्ट्री की कुछ एप्लीकेशंस और यूनिवर्सिटी के टॉप्स प्रोजेक्ट्स के भी बारे में कुछ देख कर आए हैं, वो काफ़ी अच्छे थे। सो हेलो सर, माय नेम इज़ मोहम्मद साहिल, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी नंबर 1 मोहन गार्डन स्कूल से आया हूँ और मैं क्लास 12th A का स्टूडेंट हूँ। और हमें यहाँ पर इसलिए लाया गया है कि ताकि हम इस यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान ले सकें। बहुत सारी प्रैक्टिकल्स दिखाए गए जो यहाँ के बेस्ट प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे हम सबको यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री के काफ़ी सारे प्रैक्टिकल दिखाए गए, बायोटेक इंजीनियरिंग के दिखाए गए जिसमें हमने DNA माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया गया, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया, CA के बारे में बताया गया। हेलो, माय नेम इज़ मुस्कान और मैं SKV पलातपुर स्कूल से आई हूँ और यहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और काफ़ी अच्छी लैब्स हैं। हेलो, आई एम गौरी श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम प्रहलादपुर, SKV प्रहलादपुर। GTO में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की लैब्स सारी बहुत अच्छी हैं, फिजिक्स की लैब तो बहुत ही बढ़िया है और सारी केमिस्ट्री की लैब भी बहुत बढ़िया है, स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स है वो भी बहुत अच्छा है। हेलो एवरीवन, आई एम पूर्णिमा सिंह फ्रॉम सेक्टर 16 GSKV स्कूल। यहाँ पर हमने बहुत सारी लैब्स को घूमा, पता चला कि क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करना है, लाइट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और आगे करियर मेकिंग में हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिले। हमने सर से नॉलेज गेन की है, उन्होंने हमारे करियर में आगे क्या करना है और साइंस स्ट्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट वॉज़ वेरी नाइस, आई लाइक इट। माई नेम इज़ तनिश, आई एम फ्रॉम GSKV रनौला स्कूल। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, कुछ नया एक्सपीरियंस ले रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज़ प्रियांशी ठाकुर, आई एम फ्रॉम सेक्टर 16 GSKV। फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड कंप्यूटर साइंस और मैथ्स मैथमेटिकल लैब भी देखी तो मेरे को मतलब लिटिल करियर के बारे में मेरे को अपने बहुत कुछ अब ज़्यादा नॉलेज आने लग गई है कि हाँ मैं ये आगे आगे जाके कर सकती, इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मैं ऐसे ऐसे कर सकती हूँ, इसलिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम ऋषभ है, सर्वोदय विद्यालय अभी मैं करेंटली पढ़ रहा हूँ। डिफ्रैक्शन देखे फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स से, वो अभी आज चैप्टर हुआ नहीं है लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये काफ़ी फैसिनेटिंग है। अभी मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे CS विद मैथ्स एक और कॉम्बिनेशन पता चला। हेलो, माय नेम इज़ प्राची, स्कूल का नाम है राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय। एक्चुअली हम 10th क्लास में है, साइंस लैबोरेटरी में देखा, उन्होंने हमें टिपिकली बताया ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, तो देख के अच्छा लगा और समझ भी आया कि हाँ कौन सा रिएक्शन किस टाइप से होता है। मेरा नाम परी और हम ना राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय से आए हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पहली बात बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे आगे 12th में जाके नंबर आते हैं तो मैं ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आऊँ। आजादपुर से आया हूँ, मेरा नाम अबू तुराब है। हमें दिखाया गया कि कैसे कैसे मशीनें काम करती है, जो हमारी रियल लाइफ में जो मशीनें काम करती है मेरे को वो नहीं पता था कि कैसे काम करती है, एयर पोल्यूशन कैसे वो होता है और नॉइस को कैसे गिना जाता है ये सब, लेकिन हमें ये नहीं पता था, एक अच्छा सा इंटरेक्शन हुआ। माय नेम इज़ राज तिवारी, हम आए BT ब्लॉक शालीमार बाग स्कूल से, तो हमें सबसे पहले हमने लाइब्रेरी देखी जो मेरे को सबसे बढ़िया लगी, एक लाइब्रेरी क्योंकि मैंने अभी तक यूनिक देखी, मैंने अभी एक भी लाइब्रेरी ऐसे देखी इतिहास तक। हमें अप्लाइड फिजिक्स का लैब जो है ना बहुत ही अच्छा लगा और लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगी। सो हमें DTO के बारे में एक और चीज़ भी बतानी की, जब हमने यहाँ पे एंटर किया तो सबसे पहले हमें सोनू सूद जी का एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया जिसके अंदर वो हमें बता रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूल में कई ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते या उनके घर में भी ऐसे कई लोग होते हैं कि जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। उन्होंने हमें काफ़ी इनकरेज करा, उन्होंने हमें समझाया और हमें काफ़ी चीज़ें पता चली कि हाँ हमें अपनी लाइफ के लिए हमारे लिए क्या बेटर है और हमें क्या कोर्स करना चाहिए। My name is Talash and I'm from Sukriti World School, Rohini, Kheraakhad. तो जब हम यहाँ पे आए हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमारा माइंड जो कन्फ्यूज़ था वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ इनको लेके कि हम क्या करियर करेंगे 12th के बाद, जिससे जितने भी कन्फ्यूजन थी वो सबकी क्लियर हो गई। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स नाउ कैन अंडरस्टैंड वॉट टू चूज आफ्टर 12th। हेलो फ्रेंड्स, माई नेम इज़ खुशी चौबे एंड माई फ्रेंड्स, सो हम यहाँ पर कैंपस में आए हैं DTU यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर अच्छा लग रहा है, एनवायरनमेंट भी इसका अच्छा है यहाँ पर। माय नेम इज़ खुशबू एंड माय स्कूल इज़ SKV नंबर 1 नरेला। फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और खासकर स्पोर्ट्स
हमको स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा देखने को मिला इधर। सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स अच्छा लगा, सारे स्पोर्ट्स है और बड़ी बड़ी जगह है तो अच्छे से मतलब खेल भी सकते हैं। सो आई एम संजय तिवारी फ्रॉम द सर्वोदय विद्यालय ZP ब्लॉक एंड आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज द एनवायरमेंट ऑफ द होल यूनिवर्सिटी। मेरा नाम साक्षी है, मैं RPVV किशनगंज से हूँ। अगर इंजीनियरिंग करती हूँ तो किस फील्ड में क्या होता है ये सब जानने को मिला, जिससे बहुत हेल्पफुल है। मैं पाखी वर्मा हूँ RPVV किशनगंज से और मेरा इंक्लिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की तरफ है और मैंने यहाँ देखा बायोटेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। मेरा नाम ज्योति है फ्रॉम RPVV किशनगंज। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मुझे अपने फ्यूचर में कौन से फील्ड में जाना है इसमें मुझे एक्सप्लोर करने में काफ़ी हेल्प होगी यहाँ पे आके। इतना ही नहीं, इन कार्यक्रमों का हिस्सा रहे तमाम स्कूलों के शिक्षकों और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के तमाम वॉलंटियर ने ओपन हाउस कार्यक्रम के अपने अपने अनुभव हमसे साझा किया। मैं DTU छात्र हूँ, थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल से बच्चे आए हैं, काफ़ी स्कूल के, जिनको हमें कॉलेज का टूर कराना है, बेसिकली बताना है कॉलेज में क्या क्या होता है, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, इनके बारे में किसका क्या स्कोप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे, काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स में से भी आए थे, तो उन्हें काफ़ी अच्छा टूर मिला पूरी यूनिवर्सिटी का, सारे डिपार्टमेंट्स, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और ऑलमोस्ट सारे लाइब्रेरी का भी अच्छा विजिट हुआ है अभी मैंने देखा। और यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है जो हमारी टीम्स है DTU की, जिनका भी उनके प्रोजेक्ट्स है, वो सब की भी एग्जीबिशन लगी है और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो जो भी इंटरेस्टेड है उस प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात भी कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के लिए। आई विश कि जब मैं स्कूल में होती तो मुझे ऐसा मिलता। हेयर वी हैव कम टू हैव अ विजिट ओवर हेयर टू सी द लाइब्रेरी फैसिलिटीज, कंप्यूटर साइंस लैब, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड वी आर रियली एंजॉइंग अ लॉट विद आवर स्टूडेंट्स एंड वी हैव कम फ्रॉम सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल ZP ब्लॉक पीतमपुरा and definitely our students are going to be benefited a lot. बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है और जैसे हमारे स्कूलों में बच्चे जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस एरिया से, जिनकी बैकग्राउंड इतनी वो नहीं है, उनको एक नया यहाँ पे स्कोप मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा।